एक्चुअली वो क्या है, भैया लोग आए थे मिले भी है, बातचीत करके गए हैं। ये होता है जैसे बातचीत करके गए कि डेट बताए वहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ अगर होगा तो उस डेट में होगा वहाँ पर, जो भी वहाँ पर बताया गया। अभी देखना होगा उड़ीसा का कुछ माहौल, डीजे के मामले में थोड़ा सा दिक्कत है, जो भी वहाँ पर और भी अपना जो लड़के जान परिचय में है और उन लोग से भी बात किए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पर। अब ये होगा कि वहाँ पर पूरी तरह से अभी दुर्गा पूजा के आसपास आते आते अगर प्रशासन के तरफ से क्या परमिशन मिलता है और कमेटी के तरफ से क्या और भी रिस्पांस मिलता है, हम लोग का और भी जितना सारा चीज़ फुलफिल करने का जो प्रोसेस रहता है वो सारा चीज़ अगर प्रोसेस होता है, प्रशासन से कोई दबाव नहीं रहता है, वहाँ का जो एसोसिएशन है कोशिश करेंगे उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि ऐसा ना हो कि हम लोग बाहर से जाके कुछ भी करके रखे हैं, उनका जो भी नियम बना हुआ है वो नियम के हिसाब से जाके चलेंगे। तो कोशिश करेंगे अगर कॉन्टैक्ट होता तो वहाँ से बातचीत करने का, कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करेंगे ताकि वहाँ का भी जो नियम है उनके आधार पर ही हम लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सब तो है साउंड सिस्टम से जुड़े हुए, तो ये नहीं कि हम लोग को एक पावर मिला तो डायरेक्ट जाके वहाँ पर काम कर लिए। हम लोग अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी साउंड सिस्टम को आपत्ति नहीं होना चाहिए। उन लोग भी अगर दिल से स्वागत करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर जाएंगे। ऐसे बहुत सारा चीज़ बातें ध्यान देना पड़ता है, जो कि हरिद्वार में बहुत सारे साउंड सिस्टम जो आप लोग देखे भी है, जो हम लोग को सपोर्ट किए तब जाके इतना बड़ा रोड शो पॉसिबल हुआ, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ के साउंड सिस्टम के ऑनर से अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो इतना बड़ा मतलब साउंड मतलब आप अगेंस्ट में जाके ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं ये अब भी बोल रहा हूँ, मैं तो अभी भी इस माध्यम वीडियो के माध्यम से भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भैया लोग ने जो भी हमारे से सीनियर, मैं हमेशा से कहते आया हूँ जो हम लोग से सीनियर जो पहले से कर करके आ रहे हैं, चाहे सेटअप बड़ा हो या छोटा हो, जो पहले से कर करके आ रहे हैं हरिद्वार का, उन लोग ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए थे तब जाके ये यात्रा सफल हो पाया था। उसी तरह से यहाँ पर भी जो भी वहाँ के एसोसिएशन है और भी जितने साउंड सिस्टम के ऑनर है और भी वहाँ पर जितने कमेटी है, पब्लिक, समाज, प्रशासन, सारा चीज़ का सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि सारा चीज़ पब्लिक से ही जुड़ा हुआ रहता है। पब्लिक अगर सारा चीज़ चाहेंगे, सहमत रहेंगे तो ज़रूर जाएंगे। और जैसे जाएंगे अगर 100% जब कन्फर्म हो जाएगा तो मैं सबसे पहले मैं अपना चैनल में दूंगा, उसके बाद आप कितनों वायरल कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कोई अगर टिकट विकट कर लेता है और कहीं कैंसिल हो जाता है, जिसे डाल्टनगंज में हमारा धड़कन भाई जो हुआ था, काफ़ी जन सोचे थे आने वाले हैं फिर नहीं आए, तो बहुत सारा हेट कमेंट भी मिलना, तो ऐसे भी किसी को नहीं होना चाहिए। अगर जाएंगे तो पहले अपना चैनल में जब भी 100% ओके हो जाएगा मैं अपना चैनल में खुद वीडियो अपलोड करूंगा और उस समय उसके बाद से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो मतलब ये आपके पास ये बुकिंग आया हुआ है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है? देखिए वो 100% कंफर्म नहीं है, 50% मान सकते हैं, 50% जब तक ये पूरा प्रोसेस जितना भी आप लोग को इस वीडियो में बताइए ये सारा चीज़ अगर 100% सारा चीज़ फुलफिल नहीं होता है भाई मैं क्या, मैं तो उसमें ही बड़ा बड़ा रोड शो में पैसा बचता भी नहीं है, बस ये पब्लिक के लिए जाता हूँ, सबका प्यार रहता है, नया नया जगह जाता हूँ, थोड़ा इस बहाने हम लोग अपना टीम घूम भी लेता हूँ, बाकी इससे ज़्यादा कोई चीज़ फ़ायदा नहीं होता है। इसमें थोड़ा बहुत अलग अलग लोगों का जगह का प्यार भी मिलता है, घूमने का बस हम लोग साउंड सिस्टम वालों को एक घूमने का एक रूट भी मिल जाता है कि चलो इसी बहाने हम लोग घूम भी लेते हैं, तो इससे ज़्यादा और तो कुछ होता नहीं है। बाकी कोशिश करूँगा जाने का ही, लेकिन अभी देखते हैं क्या क्या होता है हमने सामने। बाकी अगर अभी जितने भी यूट्यूबर लोग हैं हमसे भी बड़े हैं, भैया से भी बड़े हैं, ऐसा बात नहीं है, जो भी भैया लोग अभी अपडेट दे रहे हैं तो जिस भी हिसाब से अपडेट दे रहे हैं वो अपने एंगल से सही है, लेकिन अभी वो एक चीज़ अभी उसको व्यू का जरिया मत बनाइए। देखिए बहुत सारा चीज़ ऐसे रहता है, अगर उतना मैं भी तो उतना समझदार हूँ, अगर सही रहता तो मैं अभी अपना चैनल में ज़रूर अपडेट देता, तो लेकिन किसी को व्यू का जरिया मत बनाइए। कुछ बातें ऐसे भी रहता है भाई, कोई कंटेंट को आप चाल मसला उसला देके और अपना बोली चाली देके अच्छा बोली देके आप उसको मसला बना के दिखाइए, कोई बात नहीं है, बस किसी को हेट नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा बात, कोई भी अपना अगर कोई चीज़ डिसीजन, ये इतना बड़ा जो वीडियो देख रहे हैं ये एक डिसीजन होता है, तो डिसीजन लेने का अधिकार आप लोग को नहीं है, ये हमको छोड़ने दीजिए, अगर जब कन्फर्म होगा तभी आप लोग छोड़िए, बाकी इसमें काफ़ी जन को दिक्कत होगा। यही चीज़ दोस्तों, अभी मैं इस टॉपिक में बात भी नहीं करने वाला था क्योंकि मैं इधर आने के बाद उनको पता चला कि इस टॉपिक में भी यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, 16 घंटा पहले से ही वीडियो पूरा चल रहा है,
तो अभी भैया आए हुए साथ में जो कि 1500 किलोमीटर दूर से आए भैया, तो हम नहीं चाहते थे कि भैया का थ्रू मौका से हम भैया का इंटरव्यू लेंगे और उस थ्रू से अपना क्रेडिट बनाएंगे। ये इंटरव्यू के थ्रू से नहीं आया था, ये भैया के साथ आया। तो और समय अभी दिखा दे रहे हैं, ये 9:30 हो रहा है रात का, 9:30 बज रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं। ये वीडियो एक तरह से अपडेट के लिए मेरा, इधर जितना भी इधर झारखंड में वासी हो सब्सक्राइब करके रखे भैया लोग, मेरा चैनल लोग के लिए, मेरा चैनल में भी छोड़ दिए हैं। हाँ, लेकिन आप लोग फिर भी उसको व्यू का जरिया बना रहे भाई, गलत इन्फॉर्मेशन को व्यू का जरिया मत बनाइए। अभी अगर ऐसा कन्फर्म होगा तो ज़रूर सबसे पहले मैं छोड़ूंगा, उसके बाद आप छोड़िएगा। बाकी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते, आप सभी का दिन रात सब शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।